डॉक्टर ने कहा था शुगर चेक करते रहे, इसलिए मैं चेक कर, क्या चेक करते हो? पत्नी माथा को काम, डॉक्टर ने कहा था तुम्हारा मेरी पत्नी को काट खाएगा, ये कुत्ता मुझे काट खाए चल जा, पर मेरी पत्नी को नहीं काटना। पति ने सोचा अगर पत्नी को काट देगा तो इसको इंजेक्शन लगेंगे, बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, स्कूल कौन भेजेगा, तैयारी कौन करेगा, मेरे टिफिन कौन बनाएगा, सास ससुर की सेवा कौन करेगा, इसलिए पति ने सोचा कि कुत्ता मुझे खा जाए चल जाएगा, कुत्ता और आ गया है। पति घबरा के थोड़ा, ऐसा मूर्ख पति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। पति कैसे समझाए कि मैंने तुझे इसलिए बिठाया था कि कुत्ता मेरे पांव को खा जाए पर मैं तुझे नहीं खाने दूंगा। जिसकी किस्मत में भाटा लिखा हो क्या भोला, अब कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, तो सभी एक जैसे, ना ना, शंकर भगवान अडमस्त होकर बैठे हुए थे, दक्ष प्रजापति आए, सबने उठकर प्रणाम करा, शंकर जी उठी नहीं पाए, तो अलमस्त बैठे हुए, अलमस्त। दक्ष प्रजापति को नमस्कार बड़ा पसंद था, इन्होंने नहीं करा, गुस्सा आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और क्रोध आते से दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान शंकर को, ए शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तो मेरी बेटी का पति होकर मेरा दामाद होकर तूने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करो। मेरा श्राप है तुझे, तू शमशान में निवास करे। शंकर भगवान जैसे सुने शमशान में निवास, शिव जी डमरू बजाकर नाचने लगे। भगवान विष्णु पास में बैठे तो उन्होंने कहा तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला, श्राप मिला, संसार में रहोगे आज, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया। शंकर जी बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं हो सकता, इतनी लंबी सोचता उसको मालूम है दामाद बिल्कुल सीधा साधा है, और कहीं प्लाट देता और मैं मकान बना लेता तो कोई कब्जा कर लेता, इसलिए मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी संसार में दिया, ऐसी जगह जहां कोई कब्जा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने माता को कहा बोले ना तुम सही में बोले, श्राप मिलने के बाद देखो किसी किसी को नमस्कार प्रिय है। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा कि संत के तीन लक्षण हैं, और तीन लक्षणों पर जिसका स्मरण करिए, पहला संत गुरु नमस्कार से दूर होता है, दूर, दूसरे नंबर का गुरु को, पहले नंबर का नमस्कार, दूसरे नंबर का जल जम के बोले जरा जम चमत्कार। असली गुरु असली संत कोई चमत्कार नहीं, उसे चमत्कार से बोलो। और तीसरे नंबर का है असली संत असली गुरु नमस्कार, कौन ने कितना रुपया दिया, कितना गया, कितना आया, उसे कोई मतलब नहीं, उसको तो बस हरी भगवान का नाम लेना है, भगवत भजन करना है, स्मरण करना है, भगवान की भक्ति उसे कोई। जब भगवान की अविरल भक्ति भगवान शिव की अविरल भक्ति एक आनंद के साथ में जो रहती है, गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी से कहा कि असली गुरु की शरणागति जाइए, तो असली गुरु कहां मिल सकता है। गुरु नानक देव जी ने यह नहीं कहा कि तुम मेरे पास रहो, गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि तुम शिव के मंदिर में जी बैठे हुए समझाओ, देखिए
जाते समय कह दिया था कि वो सब में रब को देखता है, सब में। जब नामदेव जी पहुंचे उन्होंने क्या देखा कि जिनके पास में गुरु नानक देव जी ने भेजा था वो तो जहां शंकर जी का शिवलिंग था सामने उधर पांव कर कर सो रहे थे। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव तुम्हें बुद्धि नहीं है, सामने शंकर का शिवलिंग और तुम पांव लंबे करके सो रहे। गुरु जी ने नामदेव जी से कहा, एक काम करो, मेरा पांव उठाओ, जहां पर शंकर जी नहीं मारे गए, मेरा पांव उठाओ, जहां शिव नहीं भारत दो। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था कि तुझमें मुझमें सब में रब समाया है। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था नामदेव जी को, नामदेव जी समझ नहीं पाए, मेरे पांव को उठाओ, जहां शिव नहीं वहां पर मेरा पांव रख दिया जाए। चरण उठाकर नामदेव जी महाराज, जहां पर विश्वास ठेकर जी का पांव रखते थे वहां पर शंकर का शिवलिंग सामने नजर आने लगता था। गुरु नानक देव जी उसी जगह पर सामने प्रकट होकर कहते हैं, नामदेव जी हर एक चप्पे चप्पे में रब समाया है, सब में उसी को देखो, ये सब उसी को मिल जाए। इसीलिए फिल्म बनाने वालों ने गाना जरूरी आप हमारी यही तो गलती है, आपने यही गलती है कि हम मंदिर में तो भगवान को ढूंढते हैं पर अपने घर में भगवान को नहीं ढूंढ पाते। घर में जो पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, बेटा है, बेटी है, कुटुंब है, परिवार है, पड़ोसी है, रिश्तेदार, नातेदार, इनमें हम परमात्मा को नहीं देखते, हम इनमें भगवान को नहीं देखते, हम दूसरी जगह देखते। जैसे एक बार यमराज पृथ्वी पर आ गए और एक लड़के को लेने के लिए यमराज गए, उसका अंतिम समय चल रहा था, उसकी अंतिम सांस थी, अंतिम क्षण था, आज उसकी फाइल समाप्त होना थी और यमराज ने आपके सी कर दिया। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? भगवान यमराज बोले, मैं यमराज। क्या लेने आयो? मैं तेरी जान लेने आयो। क्या लेने आयो? मैं तेरी जान लेने के लिए आया। मेरी जान? यहां से चार बार छोड़ के देती हूं, मेरे चार दिन से मेरे प्राण गोई खा रो लिए थे, यमराज बोले, मैं तुझे मारने आया, मुझे, मैं तो उससे शादी कर कर 6 साल के लिए मर चुका हूं। तेरी जगह दूसरे को नहीं, खुद मरा मरा है तो क्या है? अरे अरे मेरा बीते जीवन I don't know.
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।